भागलपुर नगर निगम के रवैये से जनता सालों भर परेशान रहती है। कभी कचरा, कभी पानी तो कभी मलबा। ताजा मामला स्मार्ट सिटी के तहत सड़क चौड़ीकरण को लेकर बरती जा रही लापरवाही का है, जिस कारण रविवार को भागलपुर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बता दें कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के रानी लक्ष्मीबाई चौक से समाहरणालय चौक के बीच नगर निगम की वर्षों पुरानी हो चुकी गोदाम को नगर निगम प्रशासन के द्वारा तोड़ा जा रहा है और भवन का मलबा सड़क पर रखा जा रहा है। मलबा सड़कों पर आ जाने से आज पूरे दिन आवाजाही में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसको लेकर नगर निगम के सहायक अभियंता राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर पुरानी नगर निगम के भवन को वर्तमान नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह के आदेश पर तोड़ा जा रहा है। मलबा जल्द ही हटा लिया जाएगा, जिससे आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। मुख्य पथ पर अवस्थित था, यह आरसीडी का रोड है, लोगों को आवागमन में आने जाने में कठिनाई नहीं हो। तत्कालीन नगर आयुक्त के द्वारा पूर्व में ही इसको डिमोलिशन करने का आदेश दे दिया गया था। कार्य प्रारंभ हुआ है और इसको समाप्त करके आगे आवागमन करने के लिए ही ऐसा रूल कराया जा रहा है। आज इसका 100% काम हो जाना है। मलबा भी आज ही हटेगा, उसके संडे होने के कारण आवागमन में थोड़ा सुविधा है, इसलिए हम लोग इस बार संडे का ही बना करके इसको अंजाम देंगे। भागलपुर में रविवार को जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा खिलाड़ियों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई विधाओं में सफल खिलाड़ियों को आज प्रशस्ति पत्र, ट्रैक सूट एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सम्मानित खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन ने कहा कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। एसोसिएशन चाहता है कि जिला के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। मौके पर जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार, जेडीयू के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती, शहर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी व दर्जनों खिलाड़ी मौजूद थे। उद्देश्य जो जिला एसोसिएशन का है और हमारे सम्मानित अध्यक्ष रजन साहब का, जिस बच्चे को भी आर्थिक रूप से समस्या है, बाधाएं हैं, जिस कारण से वो खेल में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन तमाम बच्चों के लिए जिला एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में इस तरह का प्रोत्साहन राशि दिया गया है, जिससे कि आप जाएं और जिला का नाम रोशन करें। टीम अहमदाबाद जा रही है और आगे भी अध्यक्ष जी की अध्यक्षता और नेतृत्व में इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो भी बाधाएं आएगा उसको दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। शाह मार्केट के हैं, पीर बाबा के जो हैं, उनके द्वारा ये आज घोषणा किया गया है कि शूटिंग को लेकर के अगर मैदान की जरूरत होगा, भूमि की आवश्यकता होगी, तो शूटिंग का अगर ग्राउंड बनने की बात होगी तो वो जमीन दान करने की बात कहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है जिला एसोसिएशन को कि आप आगे बढ़ के इस पर काम कीजिए, हम भूमि आपको दान देंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत की ओर से विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर रविवार को निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत धनकर में आयोजित चिकित्सा शिविर में शहर के कई जाने माने चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टर जेपी सिन्हा, डॉक्टर मलयराज, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर ओमनाथ भारती एवं डॉक्टर शांतनु कुमार ने मरीजों की जांच कर इलाज से संबंधित परामर्श दिए। शिविर में जांच के बाद मरीजों के बीच निशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष सुमित कुमार सिंह और संजीत कुमार ने कहा कि गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपना इलाज कराने शहर नहीं जा सकते, यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अलग अलग बीमारी से जूझ रहे मरीजों की जांच की गई। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत की भागलपुर इकाई के द्वारा, ठीक है, एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जहाँ पर गरीब एवं असहाय लोगों को निःशुल्क जाँच की जा रही है, साथ में निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है। जिन लोगों को शुगर और कोई और दिक्कत है उनको भी मुफ्त में जांच की जा रही है। यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा है। इतने गरीब रोगियों का कुछ स्वास्थ्य लाभ के बारे में कुछ जो मदद दे पाता हूँ, इसको एक खुशी का एहसास होता है ना। बहुत ऐसे मरीज हैं जो कि प्राइवेट पर जा नहीं पाते हैं, उन लोगों को इन लोगों ने बड़ा अच्छा शिविर आयोजन किया है, काफ़ी मरीज हैं और यथासम्भव भी लोग दवाई भी दे रहे हैं जी। और जहाँ तक होगा हम लोगों ने भी अपनी ओर से कहा है कि अगर इस पुर्जे को लेकर अगर क्लिनिक में भी आएंगे तो एक महीने तक हम लोग बिना किसी चार्ज लिए
बिना कोई फीस लिए एक्स्ट्रा, यानी संगठन। भागलपुर सुल्तानगंज स्थित खादी ग्रामोद्योग के प्रांगण में राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इजराइल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मन संचालन राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम ने किया। वहीं राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव ने बताया कि 5 फरवरी 2024 को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा उनके कार्यकाल में बिहार की जनता को रोजगार, सरकारी योजनाओं का लाभ एवं सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा की गई। रैली में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा पैदल मार्च कर भागलपुर स्टेशन के अंबेडकर चौक से घंटाघर चौक होते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में जिला सचिव बासुकी यादव, उपाध्यक्ष विवेकानंद यादव, मिनाज खान समेत राजद के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज राष्ट्रीय युवा जनता दल की ओर से एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बिहार की धड़कन हरदिल अजीज, हमारे तेजस्वी यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के होनहार, बिहार को एक अच्छे मार्ग, अच्छी दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। इनके नेतृत्व में जो बिहार में कार्य हुआ है और नीतीश कुमार ने जो छलने का काम किया है 17 साल में, पिछले 17 महीना जो गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ रही और बिहार के युवा आइकॉन ने यह स्पष्ट कर दिया कि 17 साल बनाम 17 महीना का जो कार्यकाल रहा माननीय तेजस्वी जी का, वह काबिले तारीफ है। इसी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रेलवे स्टेशन अंबेडकर चौक से लेकर भागलपुर समाहरणालय डीएम कार्यालय तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे और बिहार के जन जन तक लोगों को ये संदेश देने का कार्य करेंगे कि तेजस्वी जी ने जो काम किया और जो उसने कहा और आने वाले समय में तेजस्वी जी ही कुछ वही काम करेंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के बड़ी कंजरपुर मदरसा इस्लामिया में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जलसा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता से आए शायर अब्बास रजानूरी, बरेली शरीफ से मुख्तार अहमद कादरी, हजरत सैयद शाह मुजाहिद अशरफ, हुजूर अलामा सैयद शाह अरार आलम शाहवाजी, मौलाना मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी ने अपनी बातें रखी। कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर मुस्लिम समुदाय के लोगों और युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जलसा में 7 लड़कों की दस्तारबंदी की गई। साथ ही जलसा के दौरान देश में अमन, चैन और भाईचारगी की दुआ पढ़ी गई। मौके पर देश के विभिन्न जगहों से पहुंचे उलेमा, धर्मगुरु और शहरवासी शामिल हुए। मुबारक हो
आज का शरफ पाने वाले। ग्राम पंचायत पक्कीसराय के कुशवाहा गांव में ग्रामीणों द्वारा रविवार को फोरलेन पर चक्का जाम कर दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत भवन, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय एवं मार्केट जाने के लिए फोरलेन के नीचे से पुल की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि फोरलेन सतह से काफी ऊंची है, जिस कारण सड़क की दूसरी ओर जाना लगभग नामुमकिन है। यदि फोरलेन के नीचे से रास्ता बना दिया जाए तो आम लोगों को काफी सहूलियत होगी, जिसकी मांग करने के लिए ग्रामीण एकजुट हुए हैं। मौके पर ग्राम पंचायत पक्कीसराय के मुखिया फूलचंद मंडल, प्रवीण कुमार राणा, सिद्धेश कुमार, महेश मंडल समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।